क्वेश्चन है, वेरीफाई करना है आपको LHS है वो RHS के इक्वल है या नहीं। वेरीफाई का हमेशा मतलब होता है कि आपको LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना है। ओके, सो फर्स्ट वी टेक LHS। LHS क्या आपका -21 इंटू नहीं दिख रहा है अभी भी। अब दिख रहा है। रेज योर हैंड नाउ, रेज योर, एक्चुअली मैंने इस फोन में थोड़ा वॉल्यूम कम है, मैंने फोन चेंज किया अपना, सो रेज योर हैंड, इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, सो वी टेक फर्स्ट LHS, हमको LHS को RHS के इक्वल प्रूव करना है। सबसे पहले LHS को सॉल्व करेंगे। LHS है आपका -21 इंटू ब्रैकेट के अंदर है -4 प्लस -6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों है, ठीक है। सो फर्स्ट -21 को एज इट इज लिखिए इनटू, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वी सॉल्व ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर है -4 प्लस -6। पहले स्मॉल ब्रैकेट को खोलिए तो ये हो जाएगा -4 प्लस माइनस, ऑलवेज माइनस, -6, ओके। मैंने पहले स्मॉल ब्रैकेट को ओपन किया है, -4 प्लस माइनस -6। नाउ -21 इंटू -4 -6 -10। कल ही मैंने बताया था एडिशन होगा और जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव इंटीजर आएगी। -4 -6 -10, -21 इंटू -10, दैट इज 210, ओके। आपका LHS आ गया 210, इज दैट क्लियर? LHS की वैल्यू समझ में आई? ओके, नाउ वी टेक RHS। RHS में क्या है, दो ब्रैकेट है, पहला है -21 इंटू -4, फर्स्ट ब्रैकेट है -21 इंटू -4, दोनों का मल्टीप्लाई है, दोनों इंटीजर नेगेटिव है, सो आंसर इज पॉजिटिव। सो 24 इंटू 4 कितना हो गया, 84, ओके। फर्स्ट ब्रैकेट -21 इंटू -4, वैल्यू इज पॉजिटिव और वैल्यू आ गई 84। ब्रैकेट क्लोज, प्लस का साइन है तो प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 21, माइनस का है और -6, दोनों माइनस के हैं, वैल्यू पॉजिटिव आएगी और 21 इंटू 6, 126, ठीक है। क्या करना है दोनों का एडिशन, एडिशन हो जाएगा 210, ओके। सो आपका RHS भी क्या आ गया, 210। सो LHS इज इक्वल टू RHS, आपका LHS है वो RHS के इक्वल है। इज दैट क्लियर, समझ में आया क्वेश्चन? सबको समझ में आया? क्लियरली? एनी डाउट? एनी डाउट? यस, कौन सा, ये वाला? नहीं नहीं ये पूरा क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन है, वो मेरा आ नहीं रहा था तो मैंने नीचे लिखा है। ये पूरा RHS है, ये LHS है, ठीक है। ये पूरा RHS है, पहले मैंने इस ब्रैकेट को सोल्व किया तो आया 84, इस ब्रैकेट को सोल्व किया तो आया 126, दोनों का एडिशन आ गया 210। आपका LHS भी 210 है, RHS भी 210, ओके।
अगर हो गया तो कैन वी मूव फॉरवर्ड? कंप्लीट। नाउ अपना वीडियो सब ऑन कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। इफ डन देन टर्न योर कैमरा। वेरी श्रेया, ओके गुड। नाउ मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, आपको राइट डाउन करना है, ठीक है? मैं पूरा ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिख सकती, आपको नोट करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखिए, इन अ क्लास टेस्ट टेन क्वेश्चंस, इन अ क्लास टेस्ट 10 क्वेश्चन गिवन। कितने हैं क्लास टेस्ट में? 10 क्वेश्चन गिवन है आपको। फिर लिखना, कोमा करके लिखना, 5 मार्क्स गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। 5 मार्क्स गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, मतलब कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो एक क्वेश्चन के आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। फाइव मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2। And -2 marks are given for every wrong answer. यानी कहने का मतलब क्या है, अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हो तो -2 marks आपको, आपके -2 marks मिलेंगे। एंड आगे लिखिए, 0 for नॉट अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन, 0 for क्वेश्चन, 0 for क्वेश्चन दैट आर नॉट अटेम्प्ट। यस, बोर्ड पे इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स वेरी बिग क्वेश्चन, इसलिए मैंने लिखा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इन अ क्लास टेस्ट, मैं आराम से बोल रही हूँ, इन अ क्लास टेस्ट 10 questions आर गिवन। मैंने हिंट के लिए लिख दिया है, 10 questions आर गिवन, 5 marks आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। आप अपने अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख दीजिए क्वेश्चन कि 5 marks मिलते हैं एक क्वेश्चन राइट होने पर, ऐसा लिख लीजिए, ठीक है? अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दीजिए कि 5 marks मिलते हैं एक क्वेश्चन सही होने पर, और -2 marks मिलते हैं एक क्वेश्चन गलत होने पर, ठीक है? और 0 marks मिलते हैं अगर आपने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। 3 चीज़ें गिवन है, 5, -2 एंड 0। क्वेश्चन सबको क्लियर है? शो मी थम्स अप, क्वेश्चन सबको क्लियर है? जीरो फोर क्वेश्चन देट आर नॉट अटेम्प्ट, मतलब कि आपने एक भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है।
04 क्वेश्चन दैट आर नॉट अटेम्प्ट. ओके, क्वेश्चन सबको क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है, ठीक है? देन वी मूव फॉरवर्ड. श्रेया पावन, क्वेश्चन क्लियर? ओके, फर्स्ट कंडीशन आपको सॉल्व करनी है. फर्स्ट कंडीशन आपको गिवन है, मैं आप ही का नाम लेके बोल रही हूँ, ठीक है? सबसे पहले मैं पावन की कंडीशन लेती हूँ. पावन गेट फॉर करेक्ट आंसर एंड 6 रॉन्ग आंसर, ठीक है? पावन ने 4 क्वेश्चन सही किए हैं और 6 क्वेश्चन गलत किए हैं, ठीक है? फाइंड टोटल स्कोर, उसने टोटल कितने नंबर मिले, उसको टोटल कितने स्कोर मिले क्लास टेस्ट में, ठीक है? क्वेश्चन है पहला, पावन ने क्लास टेस्ट में 10 क्वेश्चन गिवन थे, उसमें से 4 सही किए, 6 गलत किए, ठीक है? तो फाइनली पावन को कितने नंबर मिले, इज दैट क्लियर? ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे देखो. मैंने क्या बोला था, 4 क्वेश्चन सही होने पे, 1 क्वेश्चन सही होने पर कितने मार्क्स है, 5. आपने क्वेश्चन लिख लिया? फातिमा क्वेश्चन लिख लिया? ओके, सो पावन ने क्या किया है, अगर एक क्वेश्चन सही होने पर कितने मार्क्स मिलते हैं, 5. तो पावन ने कितने क्वेश्चन सही किए थे, 4. सो 4 करेक्ट होने पर कितना स्कोर मिलेगा, 4 × 5 = 20, ठीक है? एक क्वेश्चन सही किया तो 5 नंबर मिलते हैं, 4 क्वेश्चन सही किए तो कितने मार्क्स मिले, 4 × 5 = 20. दूसरा, उसने कितने रॉन्ग किए थे, 6 रॉन्ग, ठीक है? 6 उसने रॉन्ग किए थे, 1 रॉन्ग करने पर कितने मार्क्स मिलते हैं, -2, विच इज गिवन इन क्वेश्चन. एक क्वेश्चन गलत होने पर -2 मार्किंग मिलती है, तो 6 क्वेश्चन गलत होने पर कितने हो जाएंगे, 6 × -2, दैट इज -12, ठीक है? ये हो गया करेक्ट और इनकरेक्ट का स्कोर. अब पूछा है टोटल स्कोर कितना है, पावन को टोटल कितने नंबर मिले, तो क्या करोगे आप, दोनों का एडिशन, टोटल स्कोर हो जाएगा, दिख रहा है? मैम क्लियर नहीं आ रहा है, मैं ऊपर लिख देती हूँ. टोटल स्कोर हो जाएगा, ट्वेंटी प्लस माइनस ट्वेल्व. जो सही होने के नंबर है वो 20, जो गलत होने के नंबर है वो है -12. तो पूछा गया था टोटल स्कोर कितना है पावन का, सो 20 प्लस माइनस 12, दोनों का हमने क्या कर दिया, एडिशन कर दिया. अब क्या हो जाएगा, सॉल्व करो, 20 प्लस माइनस 12, सो आंसर इज 8. पावन को कितने नंबर मिले क्लास टेस्ट में, 8. क्लियर है सबको? श्रेया, पावन, फातिमा, क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है, समझ में आया? ओके, इसी में सेकंड क्वेश्चन लिखो, ये आपको सॉल्व करना है. श्रेया गेट, अब श्रेया का टर्न है,
श्रेया गेट, श्रेया को कितने नंबर मिले? श्रेया गेट 5 करेक्ट आंसर। ठीक है, श्रेया ने क्या किया, 5 क्वेश्चन सही किए हैं और 5 गलत किए हैं, तो उसका टोटल स्कोर कितना होगा? ठीक है, फाइंड टोटल स्कोर। श्रेया ने 5 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, 5 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं, सो उसको टोटल नंबर कितने मिले क्लास टेस्ट में? सॉल्यूशन खुद ट्राई करो, मैं यहाँ पे अपना कर रही हूँ, आप अपना करो। ओके, योर फाइनल आंसर इज 15। सबने किया, सबका आंसर 15 आया, बी ऑनेस्टली। पावन, ओके गुड। द थर्ड कंडीशन इज, तीसरी में आपके चारों के एग्जांपल लूंगी। थर्ड कंडीशन इज फातिमा गेट, अबे यार
Sorry guys, sorry, I'm very sorry. Actually, there is a network issue. So I get disconnect. So please your camera, turn on your camera. अपना कैमरा ऑन कीजिए सब. Sorry. Where is Preet? Okay. Next question लिखिए. ये मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है? थर्ड कंडीशन है फातिमा गेट. थर्ड कंडीशन है फातिमा गेट टू करेक्ट क्वेश्चन. फातिमा गेट टू करेक्ट क्वेश्चन. फाइव रॉन्ग क्वेश्चन. फाइव wrong question. Out of क्वेश्चन पूरा लिखिए. ये थोड़ा थोड़ा घुमा फिरा के. फातिमा गेट टू करेक्ट क्वेश्चन, फाइव रॉन्ग क्वेश्चन. आउट ऑफ सेवेंथ क्वेश्चन फातिमा ने क्या किया है? कंडीशन चेंज हो गई है. फातिमा ने टोटल सेवेंथ क्वेश्चन में से टोटल सेवन क्वेश्चन में से दो करेक्ट किए हैं और पांच गलत किए हैं. दो उसने सही किए हैं और पांच उसने गलत किए. कितने में से? सेवन क्वेश्चन में से टोटल कितने थे? टेन. इनिशियली हमने लिखा था टोटल टेन क्वेश्चन थे. फातिमा ने क्या किया? दो क्वेश्चन सही किए हैं, पांच क्वेश्चन राइट किए हैं आउट ऑफ सेवन क्वेश्चन. ठीक है, तो रिमेनिंग थ्री. अब सात तो हो गए, बचे कितने? टेन माइनस सेवन थ्री. ठीक है, हम बात टोटल टेन क्वेश्चन की कर रहे हैं. सो रिमेनिंग क्वेश्चन इज थ्री जो कि उसने अटेम्प्ट नहीं किए हैं. ये लिखो साथ में. सो टेन माइनस सेवन इज इक्वल्स टू थ्री. थ्री क्वेश्चंस ऐसे हैं जो फातिमा ने अटेम्प्ट ही नहीं किए. थ्री क्वेश्चंस दैट इज नॉट अटेम्प्ट बाय फातिमा. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस मैम. ओके गुड. सो फाइंड द टोटल स्कोर ऑफ फातिमा. फातिमा का टोटल स्कोर कितना है? चलो फाइंड आउट करो. फाइंड द टोटल स्कोर ऑफ फातिमा. एम आंसर इज जीरो. गुड, द आंसर इज जीरो. फातिमा ने सात क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं लेकिन उसने दो सही किए थे, पांच गलत किए थे, तो उसका टोटल स्कोर क्या हो जाएगा? जीरो. इज दैट क्लियर? यस मैम. ओके, फोर्थ कंडीशन है. फोर्थ कंडीशन है प्रीत अटेम्प्ट या प्रीत गेट
6 करेक्ट आंसर. एंड 3 रॉन्ग आंसर. प्रीत ने क्या किया, 7 क्वेश्चन सही किए हैं और 3 गलत किए हैं. ठीक है, उसका टोटल स्कोर कितना होगा? फाइंड आउट टोटल स्कोर. किसने बोला 0? Who says 0? मैम 2 मिनट गलत. ओके ओके, आराम से, कोई जल्दी नहीं है. आंसर इज 29. ओके, सबके 29 आ गया. रेज योर हैंड, जिनके नहीं आया है वो मैं डाउट क्लियर करूंगी. यस मैम, आ गया. ओके गुड. ओके, सो क्वेश्चन समझ में आया. टोटल पूरा क्वेश्चन हमने 4 स्टेप पे कंप्लीट किया है. ठीक है, सो इसी तरीके से क्वेश्चन बिल्डअप होता है. ठीक है, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो चीज़ें पॉजिटिव हो रही है. एक चीज़ और मैं याद दिला दूँ आपको, यहाँ पे कुछ चीज़ें से आपको सॉल्व करने में हेल्प करेंगी. जो चीज़ें पॉजिटिव हो रही है, पॉजिटिव थिंग. ठीक है, अगर क्वेश्चन में कोई भी चीज़ पॉजिटिव हो रही है तो वो हमेशा क्या होंगी, पॉजिटिव. उसके आगे, उस नंबर के आगे क्या लिखेगा, पॉजिटिव नंबर होगा. और जो चीज़ें नेगेटिव हो रही, जैसे कि अपने अभी क्या किया था, करेक्ट के लिए 5 इज पॉजिटिव नंबर, इनकरेक्ट यानी रॉन्ग क्वेश्चन के लिए क्या लिया था, -2 विच इज नेगेटिव. सो क्वेश्चन अगर गिवन हो और उसमें पॉजिटिव थिंकिंग थिंग्स हो रही हैं, पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, तो हम नंबर पॉजिटिव में लेंगे, और नेगेटिव में हो रही है तो हम वैल्यू किस में लेंगे, नेगेटिव में. एक क्वेश्चन और लिखिए, ये आपको सॉल्व करना है खुद से. क्वेश्चन लिखिए, अ सीमेंट कंपनी सीमेंट कंपनी अर्न अ प्रॉफिट earn a profit on 8 rupees per bag. ठीक है, एक सीमेंट कंपनी है जो कि एक बैग के 8 रुपए के हिसाब से अगर वो सेल करता है तो उसे 8 रुपये, सॉरी, एक सीमेंट कंपनी है जो कि 8 रुपीस पर बैग, मतलब कि एक बैग की कीमत कितनी है, एक बैग का अमाउंट कितना है, या एक बैग की वैल्यू कितनी है, 8 रुपीस, मतलब कि वन सीमेंट, एक सीमेंट की जो सैक आता है उसका अमाउंट कितना है, 8 रुपीस. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया. अ सीमेंट कंपनी अर्न प्रॉफिट, एक सीमेंट की कंपनी है जो कि उसका एक सैक सेल करती है, उसका जो एक बोरा सेल करती है तो उसे कितना प्रॉफिट होता है, 8 रुपीस. मैंने लिखा है प्रॉफिट, नॉट सेलिंग वैल्यू, आई एम टेलिंग प्रॉफिट. ठीक है, नॉट कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ उसने 8 रुपये में बेचा, मैं बोल रही हूँ कि उसने 8 रुपये एक बैग के हिसाब से प्रॉफिट अर्न किया. ठीक है, और ये सीमेंट कौन सी है, वाइट सीमेंट. ब्रैकेट में लिख देना